जो जैसा अन्न ग्रहण करता है उसका मन वैसा ही हो जाया करता है। ये बात सार्थक है और इस बात का प्रमाण आप ले लेना मुझसे। छल से कमाया हुआ संपत्ति, कपट से कमाई हुई संपत्ति का यदि अन्न ग्रहण करता है कोई, वह व्यक्ति वैसा ही हो जाया करता है। उसके रक्त में वो बस जाता है। पितामह भीष्म की कथा आप लोगों ने सुना था ना, द्रौपदी आवाज लगा रही है, चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि मेरी लाज बचाओ। पितामह भीष्म खड़े ऐसे गर्दन झुका रहे हैं, ऐसे गर्दन झुकाए हुए हैं, उठाने की हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने दुर्योधन का अन्न खाया है और दुर्योधन का अन्न कैसा है? पाप का है, छीना हुआ है, कपट का है, लूटा हुआ है, जबरदस्ती लिया हुआ है। ऐसे व्यक्ति का अन्न खा करके वो संसार का सबसे बड़ा वीर योद्धा गर्दन झुका करके खड़ा है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं, लाचार बेबस, कुछ नहीं। बाण की सैया, एक दिन ऐसे लाचार हुए, ऐसे बेबस हुए और बाण की सैया पर पड़े हैं। तब उन्होंने कहा कि भैया किसी का अन्न मत खाना। छल से कमाया हुआ, कपट से कमाया हुआ, किसी का छीना हुआ, किसी का लूटा हुआ मत लेना, क्योंकि आपका मन भी वैसा हो जाएगा और मन वैसा होगा तो आपके जीवन में वो। जो कपट से संपत्ति कमाता है ना, उसका भोग नहीं कर पाता है कभी भी, गारंटी मेरी। बाहरी रूप से वो दिखा ले कि मैं बहुत चकाचक हूं, मेरे पास बहुत कुछ है, मैं बहुत कुछ कर रहा हूं, बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन अंतःकरण से वो कभी शांत नहीं रह पाता है। हृदय उसका दुखित ही रहता है, रोता ही रहता है, क्योंकि वो कपट का है। और कपट की संपत्ति पर कभी कोई भगवान की कृपा भी नहीं होती। कम खाओ, मेहनत का, संघर्ष का, सत्य विवेक का खाओ। ज्यादा आडंबर मत करो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो। आडंबर में तो समस्या है, लेकिन प्रभु भक्ति में कोई समस्या नहीं। यदि सत्संग का अनुभव करके हम जीवन में सत्मार्ग को न चल सके तो फिर सत्संग की महत्ता व्यर्थ है। मैं सत्संग में बहुत बड़ी बड़ी बात कह लूं, लेकिन जीवन के सिद्धांत में जब टूटता है व्यक्ति तो संसार के पास में ही भागता है, लेकिन वास्तविक सत्य है कि संसार ने कभी साथ नहीं दिया, किसी भी संसारी ने साथ नहीं दिया, चाहे मेरा हो, चाहे आपका हो, चाहे किसी का भी हो, किसी भी संसारी ने कभी किसी का साथ नहीं दिया और बनाया ही नहीं, भगवान ने वो प्रवृत्ति ही नहीं दिया इंसान को कि साथ दे सके किसी को। श्री कृष्ण का चरित्र बड़ा ही अद्भुत चरित्र है। सम्यक ज्ञान की पद्धति, संपूर्ण श्रद्धा, संपूर्ण भक्ति, अचिंतन मन को चिंतन मार्ग पर प्रेषित करना, और समाज में भी यदि व्यक्ति रहना चाहता है, समाज की बात करना चाहता है, संसार की बात करना चाहता है, तो संसार की प्रतिष्ठा का उपदेश क्या है, इसकी सकुशल जानकारी श्रीमद् भागवत महापुराण और कृष्ण का चरित्र है और कुछ भी नहीं।
इतनी कष्ट, इतनी कठिनाई, लेकिन भगवान कभी अपने मार्ग से झुके नहीं। सत्संग इसलिए भी हमारे जीवन में आवश्यक पड़ जाता है क्योंकि हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं। कभी किसी गाय को, किसी भैंस को, किसी बैल को सत्संग की आवश्यकता पड़ी है क्या? किसी कुत्ते को सत्संग की आवश्यकता पड़ी है? किसी बिलाई को सत्संग की आवश्यकता पड़ी है? उनके यहाँ सत्संग होता है क्या? नहीं होता है। सत्संग केवल हम मनुष्यों के लिए होता है। किसके लिए होता है? क्यों सत्संग होता है? क्योंकि हम मार्ग से भटक जाते हैं। हमें बार बार बोध कराना पड़ता है कि यह कार्य करो, यह कार्य करो, यह कार्य करो, फिर भी हम भूल जाते हैं। बार बार भूलने की बीमारी हमें है। इस भूलने की बीमारी के कारण सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। आपने जो चीज देखा उस चीज से आपको वैराग्य प्राप्त हुआ, लेकिन फिर वैसे ही कोई प्रभाव नहीं। 7 दिन सत्संग चला, तब तक तो आप लोग उपस्थित होकर के बढ़िया सत्संग सुने, कथा सुने, लेकिन 8वें दिन मेरे जाने के बाद भी क्या इतना देर आप भगवान के भक्ति के लिए निकाल सकोगे?